अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिकॉर्डेड सेशन है और जितने भी भाई देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स लेट नाइट। वसीम काइंडली कंफर्म कर दें आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन। जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। परफेक्ट, ठीक है। चार्ट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे हम डेली से। बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट है, जैसे कि कल हमने मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मेंशन किया था, डेली की भी हमें ज़रूरत नहीं है। 4 आवर पे चलते हैं, क्विक सी एक अपडेट होगी अगर आर्ट्स में कोई एंट्री बनती है या फिर कहाँ से बाय करने चाहिए उस पर बात करेंगे। अच्छा, 4 आवर का चार्ट है। एज आई मैंशनड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जोन मैंने मैंशन किया हुआ था, ये ब्रेक होना, ठीक है, ऑलरेडी ब्रोकन। यहाँ से प्राइसेस जो हैं नीचे की तरफ ऑलरेडी जा चुकी हैं। मैं सारे एनालिसिस हटा देता हूँ, लेट्स हैव फ्रेश। अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पे, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं मार्केट के सिनेरियोस बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी आप सबसे कल कि यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे इक्वल लोज भी हैं, ठीक है। और इक्वल लोज का मतलब ये होता है कि ये स्वीप होने ही होने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इन्हें टूटना है। अच्छा, अब जहाँ तक मैंने फिबोनाची सीक्वेंस की बात की थी, तो फिबोनाची सीक्वेंस की मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो उसके हवाले से जो मैंने बात की थी, आप सब लोग देख सकते हैं हमारे जो बाइंग जोन्स थे वहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं, ठीक है। 0.618 टेस्ट करना इज अ मेजर थिंग फॉर नाउ, और 0.618 से नीचे एक वेक आना टूवर्ड्स 22K वुड बी अ रियलिस्टिक अप्रोच फॉर मी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है हमारी और जो कि टच हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, मार्केट में। अच्छा, तो उस हवाले से अगर देखा जाए, सो वी कैन सी अ डाउन साइड मूव थोड़ा सा और, ठीक है। कल मैंने मैंशन किया था इन डिटेल आर्ली की चार्ट पे कि किस तरह से हम नीचे आ सकते हैं, और जैसे आपने शुरू में देखा सेशन में कि मैंने यहाँ पे जो लाइन खींची हुई थी वो ओवरऑल यहाँ से लो स्वीप हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो बेरिश इंगल्फिंग, तो हम देख सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है टूवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंट्रीज कहाँ पे लेनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, फॉर नाउ अगर हम देखें, वी हैव अ की जोन, ठीक है, ये एक हमारा की लेवल है ये, ठीक है, जहाँ पे अभी प्राइस घूम रही है, ठीक है, राउंड अबाउट। हाँ, आर्ली के चार्ट पे अगर हम देखें तो उसने जो है हमारा की जोन ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आर्ली पे 4 आवर पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ अब स्ट्रगल कर रहा है ऊपर की तरफ वापस जाने में, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ये कैंडल इसी तरह से सस्टेन है थोड़े वक्त से। अच्छा, तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है मार्केट की और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली चीज़ मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ। पहला हमारा जो जोन है बाइंग का जोन, वो मैं बता देता हूँ, विल बाय एट 22K, ठीक है, इन बिटकॉइन, इन आर्ट्स, इन डिफरेंट कमोडिटीज, इन क्रिप्टो। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम देखें थोड़ा सा इंडिकेटर्स को, वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम चॉपी लग रहा है मुझे अभी के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आ भी जाती है तो मैं प्राइस को सस्टेन देख रहा हूँ, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ पे आ भी जाती है ना, तो मैं इनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन देख रहा हूँ। मार्केट में मुझे उस तरह से कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही कि मार्केट यहाँ पे और ऊपर पंप कर जाए, नो, अभी के लिए थोड़ा सा मार्केट रुकेगी नीचे आके, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे बाइंग बनती है और बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। हमारा DCA जोन जो है ऑन एवरेज अगर हम देखें तो वो होगा राउंड अबाउट 19,500 से लेके 20,000 का जोन, ये जो है ये हमारा DCA जोन हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ट्रेड प्लान होगा। अगर हम देखें ऑन एवरेज हमारी जो बाइंग है वो बन जाएगी 20,600 की, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया बिटकॉइन का ट्रेड प्लान और बिटकॉइन में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ पे हमने बाइंग करनी है, कहाँ कहाँ पे हमें आना चाहिए, ठीक है। ये तो एक हो गया बिल्कुल एक बिल्कुल सिंपल मार्केट के जो प्राइस एक्शन एनालिसिस हैं सिंपल उसका, ठीक है। अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और बाउंस बैक हमें लेना चाहिए कि नहीं उस पर भी बात करते हैं।
जो रिकॉर्डेड सेशन है ये वाला, ये फेसबुक में अवेलेबल है। अच्छा जो प्रीवियस, ये तो यूट्यूब पे होगा जो प्रीवियस था। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी के लिए मार्केट बुलिश है और इट्स मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी कर लेते हैं जो कि 22,000 का जोन बन रहा है, ऑन एवरेज वी विल फ्लिप दीज हाइस, ठीक है, टुवर्ड्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये जो जोन है। ओके अच्छा, तो ये जो जोन है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, और ये जो जोन है, वेट, ये सर ये इक्वलाइज नहीं आ रही ऊपर? ठीक नहीं, इक्वल हाइज नहीं है, इक्वल लोज इक्वल है, हाइज का कॉन्सेप्ट जो है ना उसी, वो इस तरह से है, जैसे कि डबल टॉप होता है डबल बॉटम होता है जी सर जी, मैं यहाँ समझ पे। गया समझ गया। परफेक्ट, ठीक है, ये सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब किया गया है यहाँ पे, मतलब स्टॉप लॉस हंट किया गया है, ठीक है। अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक, ठीक है। यहाँ से मैं आर्ट्स में भी एंट्रीज दे देता हूँ, आज ओवरऑल जो एंट्रीज बन रही हैं मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है कुछ आर्ट्स में, इसलिए मैं लाइव भी आया हूँ आज, एक कमिटमेंट थी, रात के 2 बज रहे हैं अभी जो है, मैं आपको सबको जो है जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं सुबह उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज दे देता हूँ मैं। 1 आवर के चार्ट पे हम शिफ्ट करेंगे अभी के लिए, और 1 आवर के चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं वी हैव अनदर कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर नेक लाइन ब्रेक डाउन, अगर रीटेस्ट करता है रेक्ट नहीं होना, ये नहीं कहना कि प्राइसेस जो हैं 90% ऑफ टाइम रीटेस्ट होता नहीं है ब्रेक डाउन में, तो ये नहीं कहना कि प्राइसेस रिक्लेम करेंगी, जस्ट एक डेविएशन थी, खुद से तीसमा खान नहीं बनना किसी ने भी, प्राइसेस यहाँ पे आनी है तो आनी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी से। अच्छा सिंपल जो मार्केट में मुझे नजर आ रहा है मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है, कोई इसमें शुगर कोटिंग नहीं है। अब यहाँ से जो है यहाँ तक मार्केट में अगर बताऊँ आपको, तो ये जो मैंने कल एक एंट्री यहाँ पे जो मैंने एक इशारा दिया था आपको इस तरह, ठीक है, वही फिर से मैं बता रहा हूँ, लो स्वीप हो गए, ठीक है। अभी के लिए हमारा जो है बनता है कि हम यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे हमारी बाइंग फिल हो और फिर हम ऊपर की तरफ जाएं निकलें, ठीक है। अच्छा दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब अर्ली के चार्ट पे सिंपल थॉट्स हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है, अगर हम देखें इस पे तो सेम चीज़ें हैं सारी, ठीक है, सेम थॉट्स, लास्ट नाइट जो हमने किया था, लास्ट नाइट जो हमने सेशन किया था वही थॉट्स हैं, फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल हैं, जाएं देखें, ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट इंशाल्लाह। प्लस इस इन जोन्स के साथ साथ अगर देखा जाए एक और कंसेंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है विच इज असेंडिंग ट्राइंगल इन डाउन ट्रेंड, ठीक है, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को भी फॉलो कर रहे हैं, ओवरऑल अगर हम ओवरऑल सब चीज़ों को देखते हैं और जज करते हैं तो वी हैव अ अपकमिंग बुलिश रिलीफ रैली, ठीक है, नॉट कॉल इट दैट मच बुलिश जिस तरह से लोग कह रहे हैं ट्विटर वाले कि बस अब तो बस सब खत्म हो गया है, मार्केट ठीक होने की तरफ जा रही है ये वो, ठीक है, नो रेट नहीं होना, ठीक है, अभी अभी कोई मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। अगर मैं कहता हूँ कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब नहीं है कि बस जा रही हैं और बस वी आर अगेन मेकिंग अ ऑल टाइम हाई, नो, ठीक है, वो क्यों, मैंने रिसेंटली एक सीएमई गैप आप सबसे मेंशन किया था, आप सबसे जो है मैंने शेयर किया था दिस वन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। हम ड्राइंग्स को हटा देते हैं, हम 4 आवर के शॉर्ट पे चलते हैं, 4 आवर के शॉर्ट पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सीएमई गैप हियर, ठीक है, सीएमई गैप्स का जिनको नहीं पता मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाएं देखें समझें और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अलॉट। अच्छा सीएमई गैप्स को देखा जाए, मार्केट तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ तो मूव कर ही रही है ना बिटकॉइन की प्राइसेस, तो सीएमई गैप्स को देखा जाए तो राउंड अबाउट हमारे जो सीएमई गैप्स हैं वो 27,000 के जोन से लेके 28,800 के दरमियान दरमियान में है, ठीक है,
तो डेफिनेटली लेवल लेवल टू लेवल मार्केट जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल टू लेवल, लेवल टू लेवल, ठीक है। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक बिफोर यहाँ से एक हमें एक डाउन साइड मूव मिलनी चाहिए थोड़ी सी। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सिंपल सी बात है। और लेवल टू लेवल हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ये जब फ्लिप होगा देन वील हैव स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट बाय मार्केट मेकर्स। ये अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, स्टॉप स्टॉप हंट इन्होंने करना है। फ्यूचर्स के जितने भी ETFs हैं, मोस्ट ऑफ ETFs जो हैं दे वांट टू लिक्विडेट देम, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो होते हैं जिसमें लोग इंजेक्ट करते हैं पैसे, जिनको नहीं पता ग्रुप में क्वेश्चन कर ले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, मूविंग ऑन। तो अब ये जो है, ये CME गैप का मैंने कन्फ्लुएंस दे दिया, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस ठीक ठाक है, गिरती है मैं खुश हूँगा, मुझे आर्ट्स में अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं, मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। मिलेंगी इंशाल्लाह हमें एंट्रीज। बिफोर दैट हम जाएंगे USDT डोमिनेंस पे। USDT डोमिनेंस अगर देखा जाए, आप सबको याद होगा 4 आवर का चार्ट है, ये वही एनालिसिस है जब मैंने आप सबको कह दिया था कि प्राइसेस यहाँ तक आएंगी 6% तक आपने एग्जिट कर देना है। तमाम जितनी भी ट्रेड्स हैं 80% मैंने पर्सनली एग्जिट किया है, ठीक है। अपनी तमाम ट्रेड्स को यहाँ पे 80% मैंने इस वीक के साथ एग्जिट कर दिया। मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। ये USDT डोमिनेंस का ग्राफ जब जब ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि USDT में पैसा आ रहा है क्रिप्टो मार्केट से निकल के। समझ नहीं आ रही, ग्रुप में क्वेश्चन कर ले, मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, सो अभी के लिए जो है USDT डोमिनेंस के हम हटा देते हैं प्रीवियस तमाम एनालिसिस। और अगर हम देखें इसको तो अच्छा, मैं इसको ज़रा बिग पिक्चर पे देखना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है टेक्निकली। ये जो डोमिनेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मार्केट में ऊपर की ये जब लिक्विडेशन होती है ना, जो शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया जाता है, ये वो वाला फेक आउट है इसमें, USDT की डोमिनेंस में। अच्छा, तो अगर देखा जाए अभी के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है कि प्राइसेस इससे भी लो जा सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ क्यों। आर्ली की चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। एक तो ये मैंने BTC USD का मैंने चार्ट खोल लिया, आर्ली चार्ट है। अगर हम देखें, एक कन्फ्रेंस तो ये बन रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। दूसरा कन्फ्रेंस हमारे पास ये बन रहा है कि अभी हैव अ स्ट्रॉन्ग इनवर्स कप एंड हैंडल, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो अप ट्रेंड। तो अगर हम बाइंग की बात करें आर्ट्स में, रिस्क करना अच्छा होगा 1% को, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, जब जब ऐसे चार्ट पैटर्न आते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट्स में, ट्रेडिशनल जितनी भी मार्केट्स हैं, अब आजकल क्रिप्टो में ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, तो इसका ये भी हो सकता है कि इन्होंने प्लान किया हो कि हाँ हम ब्रेक डाउन करवाएंगे नीचे की तरफ, थोड़ा सा प्राइसेस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फिर वहां से बाउंस बैक करके ये जो हाईज हैं इनको स्वीप कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी शॉर्टर्स यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ना, डेफिनेटली शॉर्टर्स विल शॉर्ट शॉर्ट दिस, ठीक है। और कैसे यहाँ से जो है यहाँ तक इनके टारगेट्स होंगे डाउन साइड, ये और 1.13, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉसेज हैं मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, ये स्टॉप लॉसेज एरिया होगा। तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड दिस। ये एक प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन इट कैन बी अ प्री प्लान्ड थिंग, जिस तरह से ये पंप आया ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, तो ये तो हो गया बिटकॉइन। अब आते हैं इथेरियम पे। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं।
जी सर, क्लियर है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। परफेक्ट, ठीक है, चलें चलते हैं अब जो है इथेरियम की तरफ चलते हैं। इथेरियम का परफेक्ट, ओके, रिसेंटली मैंने आप सबको बताया था इसके बारे में एक सेशन में, एंड वी आर ऑल्सो अचीविंग दैट बाइंग जोन। ठीक है, अगर हम देखें तो हम आ रहे हैं उस तरफ बाइंग जोन्स में। अगर हम देखें तो यहाँ से एक छोटी सी बाइंग बनती है। ठीक है, इथेरियम अभी स्ट्रॉन्ग बिहेव इसलिए कर रहा है या फिर इसलिए करेगा क्योंकि इनकी मर्ज आ रही है। 19th of September को इथेरियम विल मूव टू प्रूफ ऑफ स्टेक फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क। तो 12% मर्ज हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा पंप कर रहा है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है काफ़ी हद तक, बट अभी इसको थोड़ा सा ब्लीड करना चाहिए। फिर ये जो एंट्रीज हैं ये मैं चाहूँगा इसको लूँ और 1% कैपिटल रिस्क के साथ इसको होल्ड करूँ। अच्छा, मैटिक, ओके, मैटिक को लास्ट नाइट जो हमने ट्रेड एक छोटा सा प्लान किया था वो ठीक नहीं रही। ठीक है, हमारी ट्रेड में एंट्री फेल नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, एज आई सेड लास्ट नाइट कि आई नो इट्स वेरी अर्ली टू कंसिडर, लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तो इम्कान है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर बाउंस करके ये जोन स्वीप कर दें। ठीक है, प्राइसेस नीचे नहीं आई, यहाँ से एंट्री बनी छोटी सी, टेक प्रॉफिट खत्म, सस्टेन है प्राइस। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो इसमें भी कोई एंट्री नहीं बन रही। ठीक है, मैटिक में मैं एंट्री नहीं लेना चाहूँगा अभी के लिए फिलहाल। अच्छा, सोल, सोलाना, सोलाना गिर रहा है कुछ हैकिंग इश्यूज की वजह से। आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने समझाया था कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप सबको जो है ध्यान में रखना होता है कि हाँ मेरा ये पैसा डूब भी सकता है। तो अभी टेंशन नहीं लेनी, पैनिक सेल नहीं करना, ये हैंडल कर लेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे लिए सेफ नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ऑलरेडी तो मैं क्यों उसको ट्रेड करूँ। अच्छा, सो इसने काफ़ी अच्छा गेम दिया है BN। मैं चाह रहा हूँ आप सबको एक ट्रेड दे दूँ, सो बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा। BNB रिसेंट जो बर्न था उसकी वजह से भी काफ़ी पंप कर रहा है, दैट इज़ अ स्मॉल रीजन ऑफ इट, और ओवरऑल BNB स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है मार्केट में भी। इसको हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे, ऑलरेडी पंप हो चुका है। AD, ओके, AD जो है यहाँ पे, ओके, रोज हम देख लेंगे वेरी सुन। ADA जो है यहाँ पे, ADA अभी के लिए जो है इसमें मैं डेली के चार्ट पे देखूंगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी स्विंग ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ADA अभी के लिए जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। ठीक है, होल्ड रखें, जो अमाउंट होल्ड की हुई है होल्ड रखें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड दिस राइट नाउ। आगे जो है रोज USD, रोज को मैंने जब भी ट्रेड किया है इसने मुझे काफ़ी अच्छा जो है गेन दिया है। अभी ये एक्सपेंड कर रहा है और इसको हायर टाइम फ्रेम पे, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ इन्वेस्टिंग 4 to 5% ऑफ योर कैपिटल ऑन दिस लेवल, क्योंकि मैं इसमें एक बड़ी एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैं आई थिंक, नो आई डोंट ओनली थिंक, एनालिसिस वाइज और मार्केट जो मार्केट फेजेस वाइज मैं अगर देखूँ तो इसमें एक्सपेंशन आना बनती है, बहुत हो गया ये। ठीक है, बहुत हो गया डाउन साइड मूव, एक एक्सपेंशन इसमें आना बनती है। अच्छा, लास्ट में जो है वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स डॉट, मैं डॉट में अभी के लिए जो है ट्रेड नहीं करूंगा। ऑलरेडी जो होल्ड कर रहे हैं
$6 के जोन से। चेयर्स ठीक है, बॉटम था $17,000 की जब प्राइस आई थी। अगर टेक प्रॉफिट किया वेल एंड गुड, और अगर बाय करना चाहते हो बेस्ट जोन टू बाय राइट नाउ अभी के अभी, ठीक है। अगर आप होल्डर हो, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं कह रहा जो 2 दिन बाद कहते हैं मेहरान भाई ये तो डाउन आ रहा है। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूँ आप सबको, अगर आप करना चाहें ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या ये वो इन्वेस्टमेंट है कि आप अगर करना चाहें तो अपने कैपिटल का छोटा सा अमाउंट लगा के, लेट सपोज आपके पास $10,000 हैं तो उसमें से $500 निकाल के इसमें इंजेक्ट कर दें, खत्म बात, ठीक है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपको करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट्स में जो है, मैं मेंशन कर देता हूँ नाम, इंडोएक्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है XLT, ठीक है। मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ इसका, अब देखिए मैं किस प्राइस से बता रहा हूँ आप सबको, इस प्राइस से, ठीक है। इस प्राइस पे अगर आपने 10,000 कॉइन लिए होते, ठीक है, कितने 10,000 कॉइन्स $40 के, ठीक है, वही 10,000 कॉइन्स अभी आप कितने के बेचते, करंट करंट में प्राइस को यहाँ पे लिख देता हूँ 0.01। पॉइंट 0167, ठीक है, वही 10,000 कॉइन्स अभी कितने के बिक रहे हैं, $167 के करंटली ये, ठीक है। ये ट्रेड मैं ऑलरेडी नेक्सॉर्ट का मैं कब से कह रहा हूँ, इनकी मैं टीम को जानता हूँ, फाउंडर को जानता हूँ, और ओवरऑल जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, मास्टर नोट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अभी देखिए इनके मास्टर नोट, जब हमने प्रूफ ऑफ स्टेक है, ठीक है, जब हमने लगाया था, जब मैं यूज़ कर रहा था, राउंड अबाउट रमज़ान की बात है, ठीक है, 8 मास्टर नोट थे, अभी मास्टर नोट कितने हैं, 179। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, प्राइस जो जो $40 की इन्वेस्टमेंट $167 बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना, सिंपल इज दैट। और ये शेयर्ड मास्टर नोट भी लगा रहे हैं, इनकी कंपनी का नाम PR पहल है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, और अभी जो है ये ओवरऑल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, ताकि जितनी भी रिवॉर्ड्स हैं ना, लोगों को जो रिवॉर्ड मिलते हैं रेफरल से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, वो सारे डिसेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी कॉइन है, काफ़ी अच्छा है, जाके व्हाइट पेपर रीड कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ये एक सजेशन है छोटी सी, बाय करना चाहें सो वुड बी अ गुड बाय, ठीक है। और ये इनका इकोसिस्टम है ओवरऑल, सो यू कैन गो, यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है, विद मिनिमम अमाउंट। अच्छा, मूविंग ऑन, ओके, ब्लॉक आप आई थिंक उसकी बात कर रहे हो, मेटावर्स प्रोजेक्ट की, इसको मैं थोड़ा सा जज करता हूँ अभी, छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ओके, मेजॉरिटी स्टक, सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम सप्लाई देखे बिना जो है हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सप्लाई वक्त के साथ साथ माइन होती है, इंक्रीज होती है, और हम जो है उसमें करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसका रिव्यू अगर मैं आपको दूं तो इजी नोट वुड बी ए गुड होल्ड, ठीक है। हाइप में ये प्रोजेक्ट इजीली आपको यहाँ से कितने एक्स दे सकता है, ठीक है, मैं रियलिस्टिक बात करूँगा इस पर शॉर्ट सी, आई एम ऑल्सो हैविंग सम, ठीक है, लेकिन उसको बहुत टाइम हो गया, अराउंड अबाउट 2nd मंथ, ठीक है।
अच्छा, और स्विंग ट्रेड है, मेरी स्विंग ट्रेड है, ठीक है। और अभी इसको मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ, छोटी सी अमाउंट है, और ये मुझे ट्रेड सेटअप याद है जब मैंने दिया था आप सबको, जो आपके बाकी भाई हैं उनको, तो वुड बी अ गुड होल्ड। जब जब रिमेंबर रिमेंबर वन थिंग, देखिए मैं समझाता हूँ, जब जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है ना, बिटकॉइन इस तरह से जा रहा है, तो बाकी आर्ट्स उसको आउट परफॉर्म करते हैं। बिटकॉइन लेट सपोज जाता है 30%, बाकी आर्ट जाएंगे 50%, 60%, ठीक है, उससे डबल। क्यों? क्योंकि ओवर परफॉर्म करते हैं, उनकी इतनी सप्लाई नहीं, उतनी उनका जो है इतना मार्केट कैप नहीं होता, सप्लाई तो ज़्यादा होती है बिटकॉइन से डेफिनेटली, ठीक है। तो ब्लॉक जो है इसको इट्स वर्थ होल्डिंग इट, बट देखिए हम लोग सेविंग्स लगा देते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, सब कुछ लगा देते हैं इसमें, कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो अभी के लिए होल्ड रखें इसको, डीसीए करना चाहें सो बेट्स बेस्ट बाइंग होगी यहाँ पे, ठीक है इसकी। और अगर हम इवेंट्स की बात करें, ओवरऑल हाइप की बात करें, तो जैसे ही बुल मार्केट आएगी, जैसे ही एक रिकवरी आएगी ना मार्केट में, तो इसकी बुलिश न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी, यू विल सी। और ये यहाँ से करंट जोन से अगर हम देखें इसको, कंसोलिडेशन फेज इसका गुजर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जब भी ये ऊपर जाएगा ना, ये एक्सपेंशन करेगा और अच्छी खासी एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। ये आपको दे देगा इजीली ऑन एवरेज अगर हम देखें तो, यहाँ से इनकी इस पे, अच्छा ठीक है, इसको होल्ड करना चाहिए यहाँ से डेली के चार्ट पे इन हाइस तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, इसको होल्ड करना चाहिए बाय करके, मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा अगर करना चाहें तो, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये इसके टेक प्रॉफिट्स होंगे अभी के लिए, बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड होल्ड, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें क्लियर हैं। जी सर, क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम नवीद। ओके, मैं ऐसे करता हूँ कि इसको एनालाइज करके तो फिर वाइंड अप करते हैं। MTL, ओके, स्टार्ट हुआ था, ओके। मंथली बेस्ट अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये थी बेस्ट परफॉर्मेंस थी इसकी। अच्छा, 8 अगस्त 2021 में, ठीक है। और अभी करंटली कहाँ पे घूम रहा है? इस प्राइस पे, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो राउंड अबाउट है 10। अच्छा, इसको मैं वीकली के चार्ट पे थोड़ा सा देखूंगा, रेंजेस को थोड़ा सा मैं देखूंगा, इसको डेफिनेटली विल ड्रॉ दिस लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी ड्रॉ करना ही करना है इसमें। बिटकॉइन के साथ रिलीफ रैली आती है तो ये अच्छा खासा पंप करेगा, ठीक है, सीम्स लाइक। और अगर हम देखें इसको डेली के चार्ट पे, तो डेली के चार्ट पे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे बाय हो रहा है, यू कैन कॉल इट अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। और यहाँ पे वेज भी इसके इसके जो वेज हैं एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसको मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, लेकिन लुक्स लाइक इसमें काफ़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है पास में, ठीक है। ये मुझे कम्युनिटी कॉइन लग रहा है अभी, बाकी मैं देखूंगा इसको इंशाल्लाह, लेट्स सी। इसको अगर देखा जाए ओवरऑल तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा इसको अभी करंट जोन्स में बाय करने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में मैं बाय करूँगा, इसमें
मैनिपुलेशन आएगी, मैं डीसीए करूंगा, एक्सपेंशन पे मैं सेल करूंगा इसको, और इजीली जो है एक्सपेंशन पे ये मुझे दे जाएगा अराउंड अबाउट, यहाँ से अगर मैं ऑन एवरेज मिड से इसके लेता हूँ आफ्टर डीसीए, तो अच्छा मुझे गेन दे जाएगा, ठीक है, ले सकते हैं आप इसको, लेके रख सकते हैं, अगर होल्ड कर रहे हैं हाई प्राइसेस पे लिए हुए है तो डोंट सेल इन लॉस, ठीक है, होल्ड रखें इसको। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर मोहसिन। ओके, सो होपफुली सबके तमाम ब्रदर्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। रिकॉर्डेड लाइव सेशन जो है वो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है जी, बस दुआओं में याद रखें। अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, सी यू ऑल टुमारो, लाइक ऑलवेज इंशाल्लाह स्कैल्पिंग का सेशन हम करेंगे कल, आज कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन विल हैव सम स्कैल्प्स। बिफोर आई गो, जज़ाकअल्लाह, बिफोर आई गो लेट मी चेक द मैटिक ऑन 3 मिनट चार्ट, अगर हमारे पास कोई स्कैल्प बन रही है आई गिव यू। नो, इनडिसाइसिव है मार्केट यहाँ की। 3 प्रोजेक्ट देखेंगे ऐसे जिसमें स्कैल्प्स हम करते हैं फ्रीक्वेंटली, जो मैं स्कैल्प करता हूँ, ओ जी एम, इसका भी प्राइस एक्शन अच्छा है, लेकिन अभी के लिए नो, नॉट इंटरेस्टेड। अभी चौपी है, बहुत चौपी है, हम इस तरह से भी जा सकते हैं, हम इस तरह से भी जा सकते हैं, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, लास्ट वन वुड बी फॉर नाउ, अगर हम देखें बेस्ट हमारे स्कैल्पिंग में जो रिवॉर्ड देता गया है हमें, दैट इज सैंड। ओके, सैंड को हम देख लेते हैं ऑन 3 मिनट, 15 मिनट पे मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा। ओके, इसने रिसेंटली एक पंप दिया है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बाय हेयर इसमें, ड्राइंग्स को हम हटा देते हैं, अगर कोई स्केल बन रही है इसमें देखते हैं हम थोड़ा सा 3 मिनट के चार्ट। ये जो रुक रहा है ना बार बार, ये बिटकॉइन की वजह से रुक रहा है, इट शुड पंप सो हार्ड, उसकी रीज़न ये है कि बहुत अच्छा जोन इसने ब्रेक किया रिसेंटली, और इस पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर देना चाहिए इसे 15 मिनट के चार्ट पे। दोबारा आई विल मूव टू द 3 मिनट थिंग, इसको मैं ऐड करना चाहूँगा डेफिनेटली इन जोन्स में, अगर हम देखें स्वीप करके अगर ये आता है ना, अगर ये आता है यहाँ तक 1.2489 पे, तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँगा यहाँ से, और मेरे टारगेट्स क्या होंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, मेरे टारगेट्स जो हैं इसके लिए होंगे ये जोन्स 0.382, 0.5, 0.618, मैं टारगेट थोड़े से नीचे लगा रहा हूँ, कुछ मैं स्टडीज कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं आप सबके लिए फिबनाची की जो सेटिंग्स हैं वो मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा, सो यहाँ से जो है प्राइसेस ऑल द वे टू, अगर हम देखें इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, 1%, 1% नहीं, स्कैल्प है इस पे, हम 1% डेफिनेटली नहीं लेंगे, इस पे हम छोटा सा एक रिस्क लेंगे 1.272 के दरमियान, 1:19 की ट्रेड बन रही है विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, ठीक है, तो इससे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाइंग यहाँ पे बन रही है, ब्लू जोन जो मैंने मार्क किया हुआ है,
छोटी सी एक स्कैल्प होगी, और अगर हम परसेंटेज को देखें ऑन एवरेज अगर सारी हिट हो जाती है तो 4.9 ये आपको 4% दे देगा इन पार्ट्स अगर आप निकालते हो ना इसके टीपीज, सो इट विल हेल्प यू। चल होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी के लिए जो है वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल, सी यू ऑल, दुआओं में याद रखें, अस्सलाम।